राम हैज ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है राम के पास जो है 590 रुपये था, ठीक है, एज ए कंसीन डिनोमिनेशन। वो 590 रुपया जो था वो 50 का नोट था, 20 का नोट था और 10 का नोट था। मतलब राम के पास टोटल 590 रुपया था, जिसमें कि 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट कुछ कुछ मिल के 590 बना था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 रुपीज नोट्स और 20 रुपीज नोट्स का 3:5 रेशियो था। मतलब ये बोल रहा है कि जो रेशियो था 50 और 20 रुपीज नोट का, वो 3:5 के रेशियो में था। और ये बोल रहा है कि उसके पास टोटल जो है 25 नोट था। तो बोल रहा है सारे 50 नोट, 20 नोट और 10 नोट कितना था जो कि मिलके 590 बना, ये बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखे कि राम के पास 590 रुपया था, 50 जो कि 50 रुपीज का नोट था, 20 रुपीज और 10 रुपीज नोट था। और 50 रुपीज और 20 रुपीज नोट जो है वो रेशियो में था 3:5, और टोटल उसके पास 25 नोट था। 25 नोट में क्या क्या होगा, 50 का नोट होगा, 20 का नोट होगा और 10 का नोट होगा। तो यही बोल रहा है कि कितना कितना नंबर में था 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट जो कि 590 रुपये पूरा। तो मान लेते हैं कि 50 का नोट जो है 50 रुपीज नोट्स नंबर बराबर बराबर 3x रेशियो दिया हुआ है, तो ये मान लिए 3x। सिमिलरली आर एस 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स नंबर ये जो है हम लोग का होगा 5x, 5x। तो हम लोग देखा कितना है, तो और ये 25 नोट्स जो था टोटल, ये क्या क्या था, 50 रुपीज नोट्स था, 20 रुपीज नोट्स था और 10 रुपीज नोट्स था। तो मान लेते हैं टोटल नोट्स इज इक्वल टू 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स नंबर प्लस आर एस 20 रुपीज नोट्स नंबर प्लस आर एस 10 रुपीज नोट्स नंबर, ये कुछ ये होगा, ठीक है। टोटल नोट्स इस टाइप से होगा। और टोटल ये बोल रहा है कि टोटल जो नोट्स था वो 25 है, तो 25 माइनस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 10। देख रहे हैं ना, 25 तो उधर से इधर लाए, इज इक्वल्स टू आर एस 10 रुपीज नोट्स नंबर। ये वो ये तो समझ में आया ना, ये इतना है, ठीक है। और उसके बाद जो है तब कितना हो जाएगा, 10 रुपीज नोट्स नंबर नंबर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x प्लस 5x, ये हुआ। और बोल रहा है कि जितना ये नोट्स का नंबर है, अब हम लोग को बोल रहा है कि 590 रुपीज़ जो है ये किससे किससे बना है, ये बना है 50 का नोट से। कितना 50 का नोट है, 50 का नोट जो है 50 × 3x, ये है 50 का नोट, ठीक है। इतना हुआ ना, एक 50 का नोट था तो उसी टाइप से 3x, तो 3x 50 का नोट। उसी टाइप से क्या होगा, ये 20 रुपीज़ का नोट, 20 × 5x होगा, ये 5x 50 का नोट था, प्लस ये होगा 10 का नोट्स का, 10 × 25 माइनस 3x मतलब 8x, ये होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 590 आर एस 150x प्लस 100x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाइंग 250 हो जाएगा, ये 250 हो गया माइनस ऑफ 80x, ठीक है। तो इसको इधर लेते आएंगे तो कितना होगा, 590 में हम लोग 250 इलिमिनेट करेंगे तो 0, 4 और 3, मतलब 340 रुपीज़ ये बचा। और ये कितना है, 250 था, उसमें से 80 इलिमिनेट करेंगे तो 170 बचेगा, 170x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 0 कटे, 7 × 4 = 2, ठीक है। तो x का वैल्यू है 2। अब इसको पुट कर देंगे कितना हो गया, ये 3x का नोट, तो यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो 50 रुपीज़ नोट
50 rupees नोट्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 × 2 2006 RS 20 rupees नोट्स नंबर नंबर ये कितना हो गया 5x तो 5 × 10 5 × 2 तो हो गया 10 सिमिलरली RS 10 rupees नोट्स नंबर नंबर ये कितना होगा ये हो जाएगा आपका 25 माइनस और ये दोनों का तो 16 कितना हो जाएगा ये 9 तो अब आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं 6 3 जा अब इसमें किसी पर भी आप सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं कैसे चेक करेंगे ये जो वैल्यू है इसको कितना 6 गुणा तो 6 × 50 तो 300 कितना हो गया 6 × 50 300 और रफ में कर रहे हैं ये और ये आपका 10 × 20 कितना हो गया 200 और ये 9 × 10 कितना हो गया 90 तो टोटल कितना हो गया 590 तो आंसर सही है तो ये सही आ गया तो इस टाइप का और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें थैंक यू